हैं एक्सरसाइज 12.1। हिमांशु दीक्षित आज बात करते हैं अपन, ठीक है, क्लास होने के बाद। तो हम एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कह रहा है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हें कह रहा था, शेडो ऑफ ए टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री। थोड़ा आराम से समझना, आपके पास एक टावर है, ये टावर है भाई, मान लो ये इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, तो सन ईस्ट से आएगा, ईस्ट से आएगा ना, हाँ ईस्ट से आएगा और वेस्ट की तरफ जाएगा, ऐसे तो पता है ऐसे जाएगा, ठीक है। अभी मान लो सन यहाँ पे है महाराज, सन महाराज यहाँ पे, तो इसकी छांव बन रही होगी, तो छाएं ऐसे देखो यहाँ तक बन रही होगी ऐसे, ये इतनी क्या है इसकी शेडो, किसकी, ये जो टावर है इस टावर की। अब टाइम के अकॉर्डिंग सन इस डायरेक्शन में है, ये सुन, सन इस डायरेक्शन में है सर, ये इधर का भी प्रोसेस हो सकता है वेस्ट की साइड का, ये सुबह की बात कर रहा हूँ, शाम की बात भी हो सकती है। देखो, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर देन व्हेन इट वॉज 60 डिग्री। अब देखो, कभी ये 60 डिग्री था, है ना, 60 डिग्री, अब ये बात पक्की शाम की कर रहा है, पहले इसका 60 डिग्री था, मतलब सन हमें 60 डिग्री पे दिख रहा था, मान लो यहाँ पे, ठीक है। अभी बात ही शाम की कर रहा था, मैं सुबह की कैसे बोल सकता हूँ, बात ही शाम की कर रहा। चलो डायग्राम दोबारा बनाता हूँ, यही तो मजा है यार समझाने में, ही जो मजा है वो कहाँ है ना, क्योंकि मैं क्वेश्चन को समझ पढ़ के समझ गया, बात ही शाम की कर रहा है, सुबह की कर ही नहीं रहा, क्योंकि पहले 45 डिग्री पे था, फिर किस पे चला गया, 60 डिग्री पे, 45 पे था फिर 60 पे, नहीं तो सनीस, हाँ 60 पे था फिर 45 पे चला गया, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। तो दोबारा बनाता हूँ डायग्राम, समझने की कोशिश करना। देखो ये आपका टावर है, कहाँ है टावर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और सन ईस्ट से आया, इधर से आया और इधर वेस्ट की तरफ जा रहा था, सन यहाँ पे था, ठीक है। तो यहाँ से एंगल कितना बना एलिवेशन का, 45 डिग्री, बात समझ में आई, पहले समझ लेना। फिर सन पहुँच गए महाराज यहाँ पे, तो अब जो छांव थी, यार ये डायग्राम सेट नहीं हो रहा मेरे से, कुछ तो गलतियां मैं पकड़ रहा हूं, पहले मैं 60 का भी नहीं कर सकता, मतलब देखो डायग्राम तो समझ में आ रहा है कि मैं बना तो दूंगा, बट एज ए कॉन्सेप्ट अगर हम इसको देखें तो क्या समझे। बेटा हम हिमांशु, मैंने कहा क्लास के बाद डिस्कस करेंगे, यार तुम कहाँ घूम रहे हो अभी, पहले यहाँ पे था तो यहाँ पे एंगल बनेगा 45 डिग्री, अरे इधर ही था, फिर यहाँ आ गया सन, तो सन यहाँ आया तो एंगल बन गया 60 डिग्री, यही था, ऐसे ही था, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ ही जा रहा था, कहाँ, मैं भी कंफ्यूज हो गया। देखो क्या, अब समझो दोबारा, अब ये रेज नहीं होगा कई देर, हो रहा है हो रहा है हो रहा है, वेट बाबा हो रहा है। देखो पहले सन ईस्ट पे था, अभी तुम बोलोगे सर इस बात का यहाँ पे क्या लॉजिक है, भाई साहब यहाँ पे लॉजिक जो है ना वो एंगल का है, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर एक बार तुमने ध्यान से पढ़ लिया ना इसको, तो दोबारा तुम्हें सन वाले क्वेश्चन में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी जितनी अभी आ रही है। मैंने कहा ये मेरा टावर है, दिस इज माई टावर, और यहाँ से ईस्ट से वेस्ट की तरफ सन जा रहा है, सुबह से शाम की तरफ, तो पहले सन यहाँ पे था, ठीक है। तो भाई सन को उसने यहाँ से देखा, तो ये एंगल बना छाँव का, है ना, छाँव बनेगी तो एंगल बनाएगा, सन दिखेगा यहाँ से, तो ये 45 डिग्री था। फिर वो महाराज क्या किए, इस पॉइंट पे पहुंचे, या सन यहाँ पे पहुंचे, ऐसे मान लो सन यहाँ पे पहुंचा, तो सन यहाँ पे पहुंचा तो सन देखोगे तो छाँव यहाँ तक ही बनेगी, जैसे जैसे दोपहर होती है छाँव पास आती जाती है ना, तो मैं छाएं सेट हो, तो एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर देन व्हेन इट वाज 60, जब वो 60 था ना तो उससे कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है, तो 60 पहले नहीं था बाद में हुआ, तो ये जो गैप है ये कितना बचा तुम्हारा 10 मीटर, दिस इज योर टावर एंड दिस इज दीज आर द लेंथ ऑफ शेडोज, ठीक है ना, दीज आर द लेंथ ऑफ शेडोज। अब हमने कहा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और यहाँ पे ले लेते हैं डी, तो यहाँ पे 90 डिग्री। अब देखो आपके पास दो ट्राइंगल है, वो पूछ क्या रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट तो तुमने एक्सलेट कर ली, तुम्हें पता है डीबी काम आएगा, पता है ना सबको, तो डीबी को तुम क्या एक्सलेट कर लेते हो,
अरे तो हिमांशु दीक्षित बेटा, मैंने तुम्हारी बात समझ ली। मैंने कहा क्लास के बाद मैं लाइव बात कर लूंगा यार तुमसे। ठीक है बेटा, आप इंस्टाग्राम पे आ जाना, वहां पे अपन डिस्कस कर लेंगे। घबराओ मत यार, मैंने वेट किया, कल तुम्हारा कोई मैसेज ही नहीं आया हुआ था। मैं क्या करूँ अब ना, मैं पहली बात करूंगा इन ट्राइंगल ए बी और डी, ए डी बी बोलेंगे क्योंकि राइट एंगल जिस पे बनता है उसका अल्फाबेट बीच में रखते हैं अपन, ए डी बी। तो बताओ भाई, 60 डिग्री के अपोजिट परपेंडिकुलर और ये बेस। अब आप कहोगे सर बेस और परपेंडिकुलर को क्यों कंसिडर कर रहे हो, हाइपोटेन्यूज क्यों नहीं कर रहे। मैंने कहा दोनों ट्राइंगल में बेस काम में आ रहा है और परपेंडिकुलर काम में आ रहा है, हाइपोटेन्यूज दोनों का अलग अलग है, काम में ही नहीं आएगा। चाहे कैसे भी बेस काम में आ रहा है बट काम में तो आ रहा है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेन 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर है यहाँ पे पता नहीं एच, बेस भी हमें पता नहीं एक्स, और टेन 60 होता है √3 = h/x। तो मैं यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लेता हूँ, दैट इज √3x। ये हमारा एच आ गया। अब आप एक्स की निकालना चाहो एक्स भी की भी निकाल सकते हो। ठीक है नाउ, अब आप बात करोगे इन ट्राइंगल ए बी सी। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे बी डी लिख दिया, ए बी डी सही लिखा था यार मैंने, यार गलत कैसे लिख दिया, ए बी सी। अब देखो कल मैंने ट्राइंगल बना दिए थे, अब मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ कि टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, उसकी वजह से यहाँ पे टेन 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है हाइट, और ये बेस क्या है यहाँ पे, बेस टोटल है तो टेन प्लस एक्स लिख दो बच्चा। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, दैट इज एच अपॉन 10 + x। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही। नाउ एच की वैल्यू √3x लिखते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 + x इधर आ जाएगा, एच इधर आएगा। अब मैं एच की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ, 10 + x = √3x। एक्स को इधर ले आते हैं, ठीक है ना, ये हो जाएगा √3x - x = 10। एक्स कॉमन ले लो, √3 - 1 = 10। अब तुम √3 की वैल्यू पुट कर दो, क्या करोगे भाई, 1.732। तो यहाँ पे लिखोगे एक्स इंटू 1.732 - 1 = 10, तो एक्स इंटू 0.732 = 10। तो यहाँ से मेरे बच्चे, मेरे पीले, मेरे लाल, मेरे हले, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10 / 0.732। और इसको अगर मैं तुम्हें सोल्व करके बताऊँ, तुम तो कर ही लोगे वैसे, 0.732 का डिवाइड करूँ तो मेरा आंसर आ रहा है 13.66। अब तुम कहोगे ये तो एक्स आया है, मैंने कहा वेरी गुड, तुम्हें पूछा क्या है एच, तो तुम एच की वैल्यू क्या लिखोगे, √3 × x, तो 10 0.732। और इसको तुम एच की वैल्यू को क्या लिख सकते हो, 1.732 × 10 / 0.732। और अगर मैं इस पूरे को सोल्व करूं केसी की हेल्प से, 1.732 × 10 / 0.732, तो आंसर मेरा आ रहा है 23.66 मीटर। एच इज द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है बेटा, मैं बात को बहुत सीरियस ले रहा हूँ, टेंशन मत लो यार, तुम सीरियस नहीं ले रहे हो, मैं क्या करूँ बताओ, इसको तुम भी सीरियस में, मैं भी सीरियस हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 23.66 सेंटीमीटर एकदम सही आ गया अपना। ठीक है, क्लियर है भाई सबको, किसी को कोई डाउट है तो बता दो मुझे। ओके चलो फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ए पैराशूटिस्ट इज डिसेंडिंग वर्टिकली। पैराशूटिस्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, वर्टिकली का मतलब ऐसे आ रहा है, वो ऐसे हवा में ऐसे नहीं आ रहा, वो ऐसे आ रहा है ऊपर से जस्ट नीचे। मेक्स एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब पैराशूटिस्ट यहाँ पे था, मान लो वो नीचे आ रहा है इस डायरेक्शन में नीचे एकदम, ठीक है। अब जब पैराशूटिस्ट को किसी ने देखा होगा तो एलिवेशन यहाँ से बनता होगा नीचे से, ठीक है। तो यहाँ से पहले इसको किसी ने देखा तो एंगल कितना बन रहा था बेस के साथ, 45 डिग्री, ठीक है। ऑफ टू ऑब्जर्विंग पॉइंट्स 100 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हिमसेल्फ। मतलब ये सिंपल सी बात है, पैराशूट के लेफ्ट साइड में, तो इधर होता है मेरा लेफ्ट, अब मुझे नहीं पता कैमरे में किधर दिखेगा तुम्हें, तो तुम्हारे लेफ्ट साइड में, मतलब जो डायग्राम है, डायग्राम का लेफ्ट साइड तो इधर ही बोलूंगा मैं, लेफ्ट साइड। तो इसके दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा यहाँ से देखा और एक बार यहाँ से देखा, यहाँ से एंगल बना उसका 60 डिग्री, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये तो दोनों पॉइंट है, ये दोनों एक दूसरे से 100 मीटर अपार्ट है, मतलब एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पे। फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम विच ही फॉल्स। मैक्सिमम हाइट कहाँ से गिनना स्टार्ट हुआ, जब उसने देखा, किसी ऑब्जर्वर ने देखा, तो आपने कहा पहले वो यहाँ पे था तब से उसने देखना स्टार्ट किया, और ये उसकी मैक्सिमम हाइट है, ये उसकी क्या है, मैक्सिमम हाइट, किसकी, पैराशूटिस्ट की। नाउ फाइंड द मैक्सिमम हाइट एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट
वेयर ही फॉल्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम जस्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट। जस्ट का मतलब पहले वाला, तो ये वाली वैल्यू पूछ रहा है अपने से, एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो मैंने कहा ये पॉइंट मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये पॉइंट सी है और ये मेरा डी। तो मैं अगर पहले वाले ट्राइंगल की बात करूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो आप कहेंगे टेन 60 डिग्री की वैल्यू होगी हाइपोटेन्यूस अपॉन एक्स, तो वही वैल्यू वापस आ रही है अभी कितना ऐसी, एच की वैल्यू क्या आ गई बच्चा अंडर रूट 3x, कोई दिक्कत नहीं आता। फिर तुमने दूसरा ट्राइंगल कौन सा लिया, इन ट्राइंगल ए बी डी, बड़े वाला ट्राइंगल, तो आपने कहा टेन 45 डिग्री किसके इक्वल होगा, एच अपॉन एक्स प्लस 100 के, टोटल लेनी होती है ना बी डी बी, टोटल लोगे तो कितनी आएगी 100 प्लस एक्स, तो ये 1 हो जाएगा, तो एक्स प्लस 100 किसके इक्वल, एच के इक्वल। तो यहाँ से आप एच की वैल्यू भी, एक्स की वैल्यू भी रख सकते हो और एच की वैल्यू भी रख सकते हो। मैं एक बार एक्स की वैल्यू रख देता हूँ, तो एक्स प्लस 100 इक्वल्स टू अंडर रूट 3x, वही सेम कैलकुलेशन होगी, यहाँ कर रहा हूँ बेटा देखना, आप एक्स माइनस अंडर रूट 3x करोगे, ऐसा तो नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है ना, अंडर रूट 3 के पास ले जाओगे x को, तो अंडर रूट 3x माइनस x इक्वल्स टू 100 आएगा, तो आप लिखोगे सर देखो x कॉमन लेंगे तो 1.732 माइनस 1 इक्वल्स टू 100, तो x की वैल्यू आएगी 100 अपॉन 0.732। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ रही है ना, 100 अपॉन 0.732 ऐसे ही रखता हूँ मैं एक बार, फिर मैं एच की वैल्यू निकालूंगा तो अंडर रूट 3x है, तो अंडर रूट 3 इंटू 100 अपॉन 0.732 और अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732 इंटू 100 डिवाइड बाय 0.732। अब अगर मैं इस कैलकुलेशन को सोल्व करता हूँ तो क्या आंसर आता है, 1.732 इंटू 100 डिवाइड बाय 0.732, आंसर आ रहा है 200, सॉरी थोड़ा नीचे करना पड़ेगा मुझे, तो छोटा ही कर लेते हैं इसको, नीचे नहीं जा रहा है, मना कर रहा है, तो लेफ्ट में कर लेते हैं। तो यहाँ से बच्चा आपकी h की वैल्यू क्या आ रही है, 236.6120 आ रही है, तो मैं इसको या तो 61 लिखा होगा या कुछ मीटर में, तो दिस इज द हाइट ऑफ द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, फ्रॉम विच ही फॉल्स, ये वाली तो हाइट हो गई उसकी। अब दूसरी बात तुमसे x की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो x की वैल्यू ये रही, इसको सोल्व कर लो, क्या लिखोगे, 100 को डिवाइड करना है 0.732 से, तो हम लिखेंगे 136.6120, तो ये मीटर में, इतनी वैल्यू उसकी कितनी आ जाएगी, ऊपर से गिरने वाली, तो 136.6 से तो वो गिर रहा था और जस्ट ऑब्जर्विंग पॉइंट है ये तो, ठीक है, और h की वैल्यू कितनी हाइट से वो नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, वो वैल्यू तुम्हें गिवन। क्लियर है सबको, इजी क्वेश्चन है। अब देखो ये जो क्वेश्चन तुम देख रहे हो ना, अभी दोनों क्वेश्चन क्या बन रहे हैं कि दो ट्राइंगल बन रहे हैं, अभी इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन चलने वाले हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है कि लैंग्वेज डिफरेंट होगी, डायग्राम एक जैसे बनेंगे और उनको अटेम्प्ट कैसे करना, अटेम्प्ट करने का प्रोसेस सेम रहेगा, हर बार हमें एक्स की वैल्यू या एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली उम्मीद करता हूँ किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलो नेक्स्ट देखो, शर्मा जी नमस्ते, कैसे हो आप। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी नजरों के सामने ये रहा, दिख रहा है भाई सबको, ऑन द सेम साइड ऑफ ए टावर, ये आपके पास एक टावर है, यहाँ डायग्राम बना लेते हैं, ये अपने पास एक टावर है, टू ऑब्जेक्ट्स आर लोकेटेड इस टावर के एक सेम साइड पे, तो इस साइड पे ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। अब क्या करें, When observer from top of the tower, tower के ऊपर बैठा है, D point पे observer है तुम्हारा, observer कहाँ है, D point पे, their angle of depression, मतलब अब क्यों यार वो यहाँ से देखा, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, ये मेरी horizontal लाइन हुई, उसने पहले A object को देखा, उसने बाद में B object को देखा, बात समझ आ रही है पक्का, तो पहले वाले को देखा तो एंगल छोटा है तो 45 बनेगा, और जब उसने दूसरे वाले को देखा तो एंगल बड़ा है तो 60 डिग्री बनेगा। अब तुम्हें भी पता है कि सर दो लाइन पैरेलल होती है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन स्पेस और हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल होती है, तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल अगर 45 है तो ये भी 45 होगा, और यहाँ से तुम ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे ये वाला एंगल 60 है तो ये वाला भी कितना होगा 60। दीज आर नोन एज वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ये एक्सरसाइज दो तीन दिन में कर देंगे भाई साहब, दो तीन दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं एंगल को 60 लिख सकता हूँ वर्टिकली अपोजिट से, और इस एंगल को कितना लिख सकता हूँ 45 डिग्री। If the height of the tower is 150 meter, क्या तुम्हें लग रहा है उसी के जैसा कुछ क्वेश्चन है, अब क्या बस हाइट दे दी हमारे को। Find the distance between the two objects,
मतलब ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, इनके बीच में हाई डिस्टेंस क्या, तो मैंने कहा एक्स, और ये डिस्टेंस मुझे पता नहीं तो ये डिस्टेंस ले लेता हूँ वाई, नहीं लोगे तो भी काम चलेगा, बी सी को नहीं लोगे एक्स वाई तो भी काम चल जाता है, डायग्राम समझ में आया। तो सबसे पहले आप बोलोगे कि इन ट्राइंगल डी सी बी, आप कहोगे टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहाँ पे टेन 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर दे रखा है 150, बेस पता नहीं y है, तो यहाँ पे टेन 60 की वैल्यू अंडर थ्री होती है, तो इक्वल्स टू 150 अपॉन y, 150 अपॉन y। नाउ अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वैल्यू क्या जाएगी, 150 अपॉन अंडर थ्री, ठीक है, और इसको तुम सोल्व भी कर सकते हैं, बट अभी इतना ही रहने दो। फिर तुमसे दूसरे ट्राइंगल की बात करोगे, तुम तो इन ट्राइंगल ए डी सी ए, हम कहेंगे टेन 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 150, और बेस अब क्यों आ रहा है एक्स प्लस वाई, टोटल डायग्राम के अकॉर्डिंग टोटल बेस, तो नाउ वन इक्वल्स टू 150 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 150, y की वैल्यू मैं क्या पुट कर देता हूँ, 150 अपॉन अंडर थ्री इक्वल्स टू 150, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 150 माइनस 150 अपॉन अंडर थ्री, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 150 अंडर थ्री माइनस 150 डिवाइड बाय अंडर थ्री, दोनों में से 150 कॉमन ले लो बच्चा, तो अंडर थ्री बचेगा तो 1.732 लिख देता हूँ माइनस 1 डिवाइड बाय अंडर थ्री। अब तुम ऊपर वाले को सोल्व कर लो, थोड़ा सा क्या लिखोगे, 150 इंटू 0.732 डिवाइड बाय 1.732, ये तुम्हारे एक्स की वैल्यू तुमसे पूछी उसी को सोल्व कर रहे हैं अपन, इसलिए मैंने पहले वाई की वैल्यू सोल्व नहीं की, तो मैं कह रहा हूँ 150 इंटू 0.732 डिवाइड बाय 150 इंटू 0.732 डिवाइड बाय 1.732, आंसर आ रहा है 63.39, 63.39 मीटर, जिसको आप 63 या 64 भी बोल सकते हो, क्योंकि पीछे 63.4 लिखा हुआ है, हाँ 63.4 ही बोलोगे, सॉरी 63.4 भी इसको बोल सकते हो, 63.4 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन पर्टिकुलर सिचुएशन। ओके बच्चा, चलो नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है एक टावर का फ्रॉम ए पॉइंट, जो पॉइंट सेम लेवल पे है, जो फुट है किसका, टावर का फुट है उसी लेवल में, सिंपल सी बात है। ये कह रहा है कि ये आपके पास एक टावर है, दिस इज योर टावर, और इसका सेम बेस का लेवल ये रहा, तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट से इसके टॉप का, टॉप ऑफ द टावर का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री गिवन। ऑन एडवांसिंग 150 मीटर्स टुवार्ड्स द फुट, यहाँ से तुम फुट की तरफ आए, तो अज्यूम करता हूँ यहाँ पे पहुंचे, कितना मीटर चल के आए हो आप लोग, 150 मीटर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, वापस से एलिवेशन बोला है, ऑफ द टावर बिकम 60 डिग्री, अब कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, क्या तुम्हें लग रहा है उसी के टाइप का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन लगभग सेम होने वाली। सो दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 129.9 मीटर, अब क्यों हमें वैल्यू नहीं पूछा, हमें वेरीफाई करवा रहा है, और अंडर रूट थ्री की वैल्यू इतनी पुट करवा रहा है, हमने कहा आप भी कर देते हैं यार, क्या टेंशन ले रहे हो, सी और डी, ये एक्स ले लेते हैं और ये एच ले लेते हैं। तो हम सबसे पहले बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, टेन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, एच अपॉन एक्स हो जाएगा क्या, टेन थीटा ये इसका परपेंडिकुलर, नीचे इसका बेस है, ठीक है। नाउ अब मुझे तुम कहोगे सर 1060 की वैल्यू अंडर थ्री होती है, दैट इज एच अपॉन एक्स, हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व कर लेंगे, हमें वैसे एच की वैल्यू निकालनी है तो देख लेते हैं। फिर आपने कहा दूसरे में इन ट्राइंगल ए बी डी, वापस से टेन आएगा 30 डिग्री इक्वल्स टू एच अपॉन 100 प्लस एक्स आएगा, और टेन 30 की वैल्यू कितनी है, अंडर थ्री। शिवम हेलो बेटा, गोड आदित्य ओपी हेलो बेटा, 1030 की वैल्यू क्या होती है बच्चा, 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल्स टू एच अपॉन 100 प्लस एक्स,
मैंने कहा एच, यहाँ से एच की वैल्यू निकालो, क्या आएगी अंडर रूट थ्री एक्स, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो वन अपॉन अंडर रूट थ्री इक्वल्स टू अंडर रूट थ्री एक्स डिवाइड बाय 100 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 100 प्लस एक्स आएगा और अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री एक्स आएगा बच्चा। अब देखो ये तो सॉल्व नहीं हो रहा, 100 इधर ही रखते हैं, एक्स को उधर ले चलेंगे और इधर से अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री थ्री हो जाएगा, तो थ्री एक्स माइनस एक्स, यहाँ से वैल्यू आई 2x इक्वल्स टू 100, x की वैल्यू आई 100 बाय 2 दैट इज 50। x तो पूछा ही नहीं था अपने से, बट x तो एक बार फाइंड आउट कर लिया अपने को, x कितना आ गया तुम्हारा 50। x की वैल्यू कहाँ रखोगे इस वाली इक्वेशन में, तो h क्या है तुम्हारा, h है अंडर रूट 3 इंटू एक्स, तो आप लिखोगे अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732 इंटू एक्स की वैल्यू है 50, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना है 50 को मल्टीप्लाई कर देना है 1.732 से, तो आंसर आएगा 86.6 मीटर। अब तुम कहोगे ये तो गलत आ गया सर, हमें टावर की हाइट क्या बतानी थी 129.9 मीटर। हर्ष यादव चैप्टर 12 पढ़ा रहे हो चैप्टर 4 पे, कोई नहीं बेटा, देखो कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी तो उसके अकॉर्डिंग मैं चैप्टर 12 डाल रहा हूँ, ठीक है। अब अपने गलती कहाँ कर दी, 1 अपॉन √3 tan 30 एच अपॉन, अच्छा 100 ले लिया मैंने, 150 दे रखा था, सॉरी बच्चा यहाँ पे 150 दे रखा है, तो एक बार मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, 100 की जगह 150 रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, अभी सोल्व कर देते हैं इसको, अभी देखो यहाँ पे 150 लिख रहा हूँ मैं बार बार में, देख लेना 150x 150 यहाँ आएगा, 150 यहाँ आएगा, यहाँ पे भी 150 आएगा और यहाँ पे भी 150 आएगा, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 150 अपॉन 2। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो आप लिखेंगे 1.732 × 75, बस अब क्लियर है। अब आप इसको क्लियर मल्टीप्लाई कर लो, 1.732 × 75, आंसर आया 129.9। क्या इतना ही निकालना था हमें, तो ये वेरीफाई हो गया कि हाइट ऑफ द टावर इज 129.9 मीटर। क्लियर है सबको, पक्का? चलो कोई डाउट है तो बता दो भाई मुझे, किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके बता सकता है, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप सभी का प्यार बस ऐसे ही बनाए रखना मुझ पर, है ना, और हम आपको ऐसे ही वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। अभी क्लासेस लाइव लेता हूँ आदित्य कुमार, तो अपने पास कैमरा की व्यवस्था फिलहाल है नहीं, तो पीसी के अंदर हम लाइव ले सकते हैं, तो उसकी व्यवस्था कर रहे हैं अपन बस, ठीक है। तो तुम्हें बस लाइव कैसे पढ़ाया जाए उसका सॉल्यूशन ढूंढना, हमें जितना अरेंजमेंट हो पा रहा है उतना कर पा रहे हैं यार अपने लेवल पे, ठीक है। चलो फिर बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी नज़रों के सामने है, क्वेश्चन थोड़े लेंदी लग रहे होंगे तुम्हें, बट इतने लेंदी है नहीं, कैलकुलेशन एक जैसी ही चल रही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एज ऑब्जर्व फ्रॉम ए पॉइंट इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सा होता है, नीचे वाला। तो यहाँ पे तुम्हें कह रहा है कि आपके पास एक टावर है, हमने कहा ये रहा हमारा टावर और ये रहा हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस पे कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट, तो ये रहा एक पॉइंट, द फुट ऑफ द टावर इज 32 डिग्री। अब फुट का मतलब क्या है, द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये पॉइंट किस लेवल पे, बेस लेवल पे है, इससे तुमने टावर को देखा। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे ये क्वेश्चन सिलेबस में है या नहीं, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अपने को समझना है बस 32 डिग्री। अब तुम कहोगे 32 डिग्री की तो हमें टेबल की वैल्यू नहीं पता, तो मैंने कहा डोंट वरी, इसने दे रखी है वैल्यू, देखो ये 32 और 63 की, ठीक है। व्हेन द ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द टावर, टावर की तरफ ऑब्जर्वर मूव करता है, तो मैंने कहा ऑब्जर्वर यहाँ पहुँच गया होगा, कितना चल के आया है 100 मीटर चल के आया है, तो आपने कहा ये रहा 100 मीटर चल के आया, पॉइंट ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, ये पॉइंट सी हो जाएगा, 90 डिग्री है यहाँ पे, और ये डी हो जाएगा। ही फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बी, टॉप टू बी 63 डिग्री। अब उसने यहाँ से ऑब्जर्व किया कि यार जो टावर का टॉप है ना वो कितने डिग्री पे लग रहा है मुझे, 63 डिग्री पे लग रहा है, ठीक है भाई साहब तेरे को लगा, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोजिशन फ्रॉम द टावर। फर्स्ट पोजिशन कौन सी है, दिस इज योर फर्स्ट पोजिशन, थोड़ी देर पहले जस्ट पॉइंट बोला था, जस्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ना, अभी फर्स्ट बोल रहा है, ध्यान से देखना, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पोजिशन बोल सकता हूँ मैं इसको, तो हमारे को ये टोटल भी पूछ रहा है अब यार बेचारा, तो हमने कहा ठीक है यार इसको एक्स ले लेते हैं और इसको एच ले लेते हैं, और टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे 100 प्लस एक्स कर देंगे। क्लियर है बच्चा यहाँ तक,
सबको क्लियर है? चलो फिर नेक्स्ट। अब आप सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे? तो आप कहेंगे ट्राइंगल बी सी डी ले लेते हैं, या डी बी सी ले लो, डी सी बी ले लो, एक ही बात है ना। पहला छोटे वाला ट्राइंगल, तो आप लिखेंगे टेन 63 डिग्री इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स, और मैंने टेन 63 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी 1.9626 इज एच अपॉन एक्स। ऑब्वियसली कैलकुलेशन बढ़ गई तुम्हारी, तो एच की वैल्यू क्या आ गई 1.9626 एक्स। मैं तुम्हें समझा देता हूँ कैलकुलेशन अटैम्प्ट कैसे करने। ये तुम्हारे पास एच आ गया, ठीक है। अब तुम क्या लगाओगे? आप कहोगे ट्राइंगल यूज में लेते हैं डी सी ए, तो हम कहेंगे टेन 32 डिग्री इक्वल्स टू एच अपॉन 100 प्लस एक्स। बोलोगे भाई ऐसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, बेस पूरा रहेगा आपके पास, ए सी पूरा कंप्लीट रहेगा। नाउ 32 की वैल्यू क्या है 0.6248 इक्वल्स टू एच की वैल्यू क्या है 1.9626 एक्स भी है साथ में, डिवाइड बाय 100 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 0.6248 इंटू 100 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1.9626 एक्स। ये तुम्हारा क्या आ गया? कैलकुलेशन सॉल्व हो गया। अब मुझे बताओ जो ब्रैकेट के बाहर है वो दोनों से मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता? 100 से भी होगा, एक्स से भी होगा। तो हम थोड़ा सा साइड में चलते, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 100 इंटू 0.6248 प्लस 0.6248 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1.9626 एक्स। अब इस वाली वैल्यू को इधर ले आओ, तो आप लिखोगे 1.9626 एक्स माइनस 0.6248 एक्स इक्वल्स टू 100 से किसी भी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, 62.48 हो गया। अब मैं केसी से इसको ऐड सबट्रैक्ट कर लेता हूँ, 1.9626 में से माइनस करते हैं 0.6248, तो वैल्यू आ रही भाई साहब 1.3378 एक्स इज 62.48। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आएगी 62.48 डिवाइड बाय 1.3378। मैं केसी से कर देता हूँ भाई साहब जल्दी से, 62 को मैंने डिवाइड किया। कैलकुलेशन यार तुम लोग कर लेना ना थोड़ा सा हाथ, 46.34 मैं इसको बोल सकता हूँ। तो ये मेरे पास क्या है, x की वैल्यू आई है। अब मुझे ये बताओ स्टार्टिंग पॉइंट है, जो पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है उसका गैप कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 100 प्लस एक्स होता है, और दैट इज 100 प्लस 46.34, तो वैल्यू आ गई 146.34 मीटर। एक का तो आंसर आ गया। अब मुझे एच निकालना है, तो एच क्या तुम्हारा 1.9626 इंटू एक्स 46.34। क्लियर है यहाँ तक? तो आप क्या कहेंगे 1.9626 इंटू 46.34, तो आंसर क्या आया 90.94 आ रहा है मीटर। दिस इज योर हाइट ऑफ टावर। आंसर मैच हो गया, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15 है, 91 आ रहा है, ठीक है, 91 के आसपास है, 146.7 आ रहा है, ठीक है, उसके आसपास है, मतलब कैलकुलेशन आसपास है ना, 91 बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया है, हाइट भी आ गई है और टावर की हाइट भी आ गई, और जो स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ से ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था वो भी हमारे पास आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बाकी कॉन्सेप्ट सेम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जो हमने स्टार्ट किया था वही कॉन्सेप्ट अभी तक चल रहा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। चलो फिर किसी को कोई डाउट हो कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ट्राई करूंगा कि आपको उस कमेंट का रिप्लाई कर दें, और बाद में भी कर सकते हैं, लाइव के बाद में भी। चलो बच्चा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, वापस से टावर, फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। हमने कहा ये हमारा टावर है भाई साहब, और ये हमारा ग्राउंड है, और ये उस ग्राउंड पे एक पॉइंट है जिससे टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल कितना गिवन है 30 डिग्री। ऑन मूविंग ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर टुवार्ड्स द फुट, वापस इधर आए तुम लोग, कितना मीटर चल के आए 20 मीटर, ये पॉइंट ए थे, आप पहुंच गए बी पे, ठीक है बच्चा। द टू टावर है पॉइंट बी सही लिखा मैंने, द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस टू 60 डिग्री। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, क्लियर है यहाँ पे। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ए, ए पॉइंट से डिस्टेंस भी पूछ रहा है, मतलब फर्स्ट पॉइंट से डिस्टेंस पूछ रहा है, सेम प्रीवियस वाला क्वेश्चन है लगभग, है ना, एक्स है और यहाँ पे एच, सेम प्रीवियस वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सी लिखेंगे, यहाँ पे डी लिखेंगे, तो आप बोलेंगे इन ट्राइंगल डी सी बी
टेन सिक्सटी डिग्री हो जाएगा एच अपॉन एक्स के इक्वल, टेन सिक्सटी अंडर थ्री होता है, ये हो जाएगा एच अपॉन एक्स के इक्वल। तो मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ अब तुम्हारे लिए, है ना, कई देर हो गई हम एक्स एच की वैल्यू निकाल के सोल्व कर रहे थे, अब मैं तुम्हारे लिए एक्स रखता हूँ, देखता हूँ कैलकुलेशन में कहाँ प्रॉब्लम अपने को ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। अब आप सिमिलरली मेरे को बोलेंगे सर आप दूसरा ट्राइंगल लीजिए ए सी डी, तो आप बोलेंगे टेन थर्टी डिग्री इज एच अपॉन ट्वेंटी प्लस एक्स। मैंने कहा ठीक है टेन थर्टी कितना होता है अंडरूट थ्री, अंडरूट थ्री इंटू ट्वेंटी प्लस एक्स इज एच, तो एच की वैल्यू आएगी अंडरूट थ्री ट्वेंटी प्लस एच अपॉन अंडरूट थ्री आएगी, मल्टीप्लाई करो एच इक्वल्स टू ट्वेंटी अंडरूट थ्री प्लस अंडरूट थ्री इंटू एच अपॉन अंडरूट थ्री, अंडरूट थ्री से अंडरूट थ्री कट जाएगा तो एच की वैल्यू आएगी ट्वेंटी अंडरूट थ्री प्लस एच, है ना। ये तो कुछ ना कुछ तो गलत हुआ, कुछ ना कुछ तो गलत हुआ, एक्स की वैल्यू एच अंडरूट थ्री रखी अपन ने, ठीक है हाँ ये अंडरूट थ्री थोड़ी ना होती है, वन अपॉन अंडरूट थ्री होती है टेन की वैल्यू, कुछ तो गलत हुआ, ये वन अपॉन अंडरूट थ्री होगी ना, वही कह रहा हूँ आंसर गलत आते पकड़ में आ जाती बात है कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो अन्याय हो रहा है हमारे साथ। वन अपॉन अंडरूट थ्री रखो यहाँ पे, यहाँ पे भी वन अपॉन अंडरूट थ्री, तो आप क्या लिखोगे ट्वेंटी अपॉन अंडरूट थ्री प्लस वन अपॉन अंडरूट थ्री इंटू एच अपॉन अंडरूट थ्री। अब आप इसको लिखेंगे दिस इज ट्वेंटी अपॉन अंडरूट थ्री प्लस एच अपॉन थ्री, एच अपॉन थ्री इधर ले आओ तो एच माइनस एच अपॉन थ्री। देखो तुम्हें लग रहा है कैलकुलेशन में थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है अपने को, ऑब्वियसली आ रही है, अगर एक्स निकाल लेते बस यही तो था, पहले एच निकाल लेते तो पहले एक्स की वैल्यू आ जाती बस, तो इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो थ्री एच माइनस एच अपॉन थ्री इक्वल्स टू ट्वेंटी अंडरूट थ्री। फिर यहाँ से आप इसको थोड़ा सा और लिखना चाहो तो आप लिखोगे टू एच अपॉन थ्री इज ट्वेंटी अपॉन अंडरूट थ्री, तो एच की वैल्यू निकालो यहाँ से, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके लिख देता हूँ, थोड़ा साइड में ले चलते हैं इसको, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी ट्वेंटी अंडरूट थ्री इंटू थ्री बाय टू, टू से ट्वेंटी कटेगा टेन टाइम और थ्री अंडरूट थ्री कटेंगे अंडरूट थ्री टाइम, तो आंसर आएगा टेन अंडरूट थ्री, और जिसको तुम सोल्व करोगे तो लिखोगे 1.732 इंटू टेन और दैट इज योअर 17.32 मीटर, दिस इज योअर एच, हाइट तो आ गई 17.32 मीटर जो सही आ रही है। बट अब हमसे एक्स की वैल्यू भी पूछ रहा है, तो मैंने कहा एक्स की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू 1.732 डिवाइड इंटू टेन, देखो ये एच था ना यहाँ, ये वाला एच ही है तुम्हारा, और अपॉन में अंडरूट थ्री, तो अंडरूट थ्री से अंडरूट थ्री कट जाएगा, ये अंडरूट थ्री की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई टेन मीटर, है ना, एक्स की टेन मीटर आ गई। पॉइंट ए से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो पॉइंट ए से डिस्टेंस क्या आएगी, ट्वेंटी पहले चला था, देख लो डायग्राम में, ये डायग्राम देखो बच्चा, ट्वेंटी पहले चला था और टेन ये गैप है, एक्स की वैल्यू टेन है, तो ट्वेंटी प्लस एक्स को क्या लिखोगे ट्वेंटी प्लस टेन दैट इज थर्टी मीटर, मतलब पॉइंट ए बेस फुट से कितना दूर है, थर्टी मीटर दूर है। क्लियर है सबको, चलो फिर बच्चा क्लास को शेयर करते रहा करो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रोजाना लाइव क्लास, और चैनल को डिस्क्रिप्शन चेक करो अंदर, और चैनल को चेक करो उसके ऊपर आपको क्लास टेन थर्टी मैथ्स के सॉल्यूशन मिल रहे हैं आपको, ठीक है ना। चलो फिर बताओ भाई किसी को कोई डाउट है तो, किसी को कोई भी छोटा मोटा डाउट चल रहा है तो बता सकता है, वेट कर रहा हूँ, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। चलो फिर कोई डाउट नहीं है, नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा आपकी नजरों के सामने। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 15 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, ध्यान से समझना, थोड़ी सी समझने वाली बात है। आपके पास एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब तुमने यहां से ऊपर देखा, ये आपका हॉरिजेंटल हो गया, हॉरिजेंटल है, आपने इससे ऊपर कितने डिग्री देखा पता नहीं, 30 डिग्री ऊपर देखा, और हाइट कितनी है इसकी 15 है बिल्डिंग की, तो आपको क्या दिखा, टॉप ऑफ ए टावर दिखा, तो ये क्या है, यहाँ से बेस तो सेम ही है दोनों का भाई, हॉरिजेंटल नीचे वाली लाइन तो सेम ही है ना, बेस फुट तो दोनों की एक ही जगह है,
तो ये दिस इज योर टावर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसके ऊपर से किसको देखा। तो जब दो आइटम आ जाएंगे ना तुम्हारे पास, तो समझना पड़ेगा किस कौन छोटा है कौन बड़ा है, पहली बात तो ये क्लियर करनी है। तो एज ए लैंग्वेज अगर तुम देखोगे, ये कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, तो मैं पहले बिल्डिंग की टॉप पे खड़ा हुआ जो 15 मीटर हाई है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो मैंने कहा एलिवेशन बोला तो मैंने ऊपर देखा, किसको देखा, टॉप ऑफ ए टावर जो कितना है 30 डिग्री, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, इसी बिल्डिंग के बॉटम, तो ये रहा मेरा बॉटम, देखो भाई ये रहा बॉटम, द एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने फिर ऊपर देखा, किसको देखा, टॉप ऑफ द टावर, इससे में मैंने टावर के टॉप को ही देखा, इट फाउंड बी 60 डिग्री, अब कितना है 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग, मतलब अगर ये टावर का बेस है और ये बिल्डिंग का बेस है तो ये डिस्टेंस निकाले, तुमने कहा ये एक्स है और ये टावर की हाइट कितनी है। अब टावर की हाइट के लिए समझना पता है तो नहीं है, बट मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये अगर 15 है इधर तो ये पैरेललोग्राम बन गया, तो ये भी 15 होगा, कहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, तो ये टोटल इतना है। एक बार मैं एच सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे टोटल हाइट आ जाएगी मेरे पास एच प्लस 15, दिस इज द टोटल हाइट ऑफ द टावर, ये इसका कॉन्सेप्ट है। मैं इस पर नाम लिख देता हूँ ए, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा हो गए हैं, दिस इज योर ए, ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है। पहली बात तुम्हें समझनी पड़ेगी कि ई डी जो है वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, दोनों 15 मीटर के, ये बात समझनी है। दूसरी बात तुम्हें ध्यान रखनी है कि जो ई बी है बेस, ये वाला जो बेस है ये वाला, ये भी किसके इक्वल होगा, डी सी के इक्वल होगा, जो हमने कितना लेट कर रखा है एक्स, बस एक्स मीटर लेट कर रखा है, और हाइट टोटल कितनी, ए बी को हमने क्या लेट किया है एच मीटर, तो टोटल हाइट ऑफ द टावर कितनी हो जाएगी एच प्लस एक्स मीटर, बस इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखना है तुम्हें। क्लियर है भाई सबको, कमेंट नहीं कर रहे यार तुम लोग। चलो फिर तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि यहाँ पे एक ट्राइंगल 60 एंगल से बन रहा है, तो मैं कहूँगा इन ट्राइंगल ए सी डी, ये जो ट्राइंगल है मेरा ए सी डी ट्राइंगल, तो यहाँ से टेन 60 डिग्री मेरा क्या होगा, ए सी अपॉन डी सी होगा, तो टेन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3, ए सी मेरा कितना है टोटल एच प्लस 15 है, डिवाइड बाई डी सी कितना है मेरा एक्स। तो अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो मैं देख लूँगा कि मेरे को क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लूँगा, एक बार यही छोड़ रहा हूँ। फिर मैं दूसरे ट्राइंगल पे गया, तो मैं गया इन ट्राइंगल, छोटे वाला ट्राइंगल ए ई बी, यही क्यों लिया, मैंने कहा यहाँ पे 90, बी पे 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा, सी पे 90 बन रहा है, तो मैं तो 90 डिग्री वाला ट्राइंगल लेना है, तो ए ई बी या ए बी ई बोलो इसको, ए बी ई बोलेंगे अपन। अगर हम ए बी ई ट्राइंगल की बात करते हैं बच्चा, तो आप बोलेंगे कि टेन 30 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होगा, ए बी अपॉन ई बी के इक्वल, और ई बी हमारा क्या है भाई, देख लो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, ई बी जो तुम्हारा है वो डी सी है, तो मतलब एक्स है, सीधी सी बात है, तो 1/√3 इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो एक्स की वैल्यू आ रही है 1/√3 एच, तो एक्स निकाल लें, थोड़ी देर पहले एच निकाला था, टेंशन हो गई थी अपने को, और मैं इस इक्वेशन को सोल्व करता हूँ, ठीक है, इसमें एच की एक्स की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, तो थोड़ा मैं साइड में चलता हूँ, मैंने लिखा मेरे पास है एक्स 1/√3 इक्वल्स टू एच प्लस 15, ये मेरे पास गिवन है, ठीक है, मैंने इक्वेशन फाइंड आउट की थी। अब इसमें एक्स की वैल्यू 1/√3 एच पुट कर देता हूँ, तो 1/√3 एच इंटू 1/√3 इक्वल्स टू एच प्लस 15, तो यहाँ से आएगा 3h, उधर से एक एच माइनस होने आ जाएगा इस 15, तो 2h कितना आ गया 15 आ गया, तो h की वैल्यू क्या आ गई 15/2, दैट इज 7.5 मीटर। h इज नॉट योर हाइट ऑफ द टावर, ध्यान से सुन लेना, हाइट तो निकालनी है, तो मैं यहाँ से पहले हाइट ऑफ टावर निकाल लेता हूँ, हाइट ऑफ टावर क्या निकालूंगा बच्चा कोई बताएगा मुझे, आप बोलेंगे सर सिंपल सी बात है 15 प्लस h है, तो 15 तो पता है और h कितना है 7.5 है, तो कितना हो गया 22.5 मीटर, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। अब हमें डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड टावर निकालना है, तो मुझे x निकालना है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3 इंटू एच, एच क्या है 7.5, तो 1/√3 की वैल्यू क्या है 1.732 इंटू 7.5, मल्टीप्लाई कर लें 1.732 इंटू 7.5, आंसर आ रहा है 10.29, कितना आ रहा है 10.29। अब
ये आ रहा है 10.29 एक्स की वैल्यू, और पीछे आ रही है 12.97। अब इतना गलत तो कैसे हो सकता है, 1.37 इंटू अगर मैं 7.5 करूं तो 10.27 ही आ रहा है लगभग। नहीं भाई साहब यही आएगा यार, पीछे फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तुम चेक कर लेना। अंडरूट 3h ही तो है, अंडरूट 3h अपने 7.5 निकाल रहा है, सही था, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये तुम्हारी क्या आ गई, डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग आ गई है, ठीक है, क्लियर है, डेसिमल में आगे पीछे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की तुम्हें, क्लियर है सबको। चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, कोई डाउट हो तो बता देना भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन देयर इज ए वर्टिकल टावर विथ ए फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ द टावर। अब मैं ध्यान से समझता हूँ, समझाता हूँ तुम्हें। सबसे पहले मेरे पास ये टावर है, इतना बड़ा क्या है मेरे पास, टावर, ठीक है, और इस टावर के ऊपर मैंने क्या लगा रखा है, फ्लैग स्टाफ लगा रखा है, ये इतना सा मेरा क्या है, फ्लैग, फ्लैग पोल बोल सकता हूँ, दोनों बातें समझ में। अब वो क्या कर रहा है, एट अ पॉइंट 9 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो ये टावर का फुट है, इससे मैं कितना दूर खड़ा हूँ, 9 मीटर, तो यहाँ पे बैठा हूँ, ये 9 मीटर गैप है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द टावर एंड अ पॉइंट ए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्लैग पोल। तो मैंने यहाँ से फ्लैग पोल का टॉप देखा और फ्लैग पोल का बॉटम देखा, जो ये बॉटम है ना फ्लैग पोल का, ये टॉप ऑफ द टावर भी है, ध्यान रखना, यहाँ पे फ्लैग पोल का जो बॉटम है वो टॉप ऑफ द टावर भी, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है अपने पास। तो मैंने कहा जब मैंने टावर को ऊपर वाले को नीचे वाले को देखा, तो ऊपर देखा तब तो आया मेरे पास, टॉप को देखा तब तो 60 डिग्री, ऑब्वियसली एंगल बड़ा होगा, और नीचे वाला एंगल कितना है तुम्हारा, 30 डिग्री, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ बी सी और डी, देखो एक एंगल है एंगल बी ए सी, जो छोटा एंगल है वो 30 डिग्री है, क्योंकि अगर तुम गर्दन ऊपर करो तो एंगल बड़ा बनेगा ना, नीचे करोगे तो एंगल छोटा बनेगा, तो टॉप टावर को देखा तो छोटा था, बट जब फ्लैग को देखा तो थोड़ा और ऊपर देखना पड़ा तुम्हें, तो यहाँ पे दूसरा एंगल है बी ए डी, जो तुम्हारा कितना है बच्चा, 60 डिग्री, ठीक है। अब हमारे को कुछ गीवन नहीं है, एक बस ये 9 मीटर गीवन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एंगल गीवन है और एक नाइन एक साइड गीवन है, तो दूसरी साइड तो हम बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द फ्लैग पोल माउंटेड ऑन इट, तो मैंने कहा टावर की हाइट तो एच ले लेते हैं और पोल की हाइट को एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो एक टोटल हाइट कितनी हो जाएगी भाई साहब, टोटल हाइट बी से लेकर डी क्या हो जाएगी, आप बोलेंगे बी से लेकर सी प्लस सी से लेकर डी, बी से लेकर सी तो एच है और बी सी से लेकर डी ये है, तो एच प्लस एक्स हो जाएगी, या एक्स प्लस एच मीटर, टोटल हाइट, बस ये ध्यान रखना है। चलो अप्लाई करते हैं, सबसे पहले आप ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी 90 डिग्री है यहाँ पे, तो आप बोलेंगे 10 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, 10 30 डिग्री बी सी अपॉन ए बी के इक्वल होगा, ये होता है 1/√3, हाइट कितनी है एच और ए बी कितना है 9, तो एच की वैल्यू क्या आई 9/√3, और जिसको तुम सोल्व करने जाओगे ना तो 9 को 3 × 3 लिख दोगे और √3, एक √3 से 3 कटेगा √3 टाइम, तो आंसर आएगा बच्चा 3√3 मीटर। अब ये बोला तो होगा नहीं 3√3, अरे बोला है 3√3 मीटर ही बोला है, चलो अच्छी बात है, अपने को 1.732 पुट ही नहीं करना पड़ा, पुट ही नहीं करना पड़ रहा है। नेक्स्ट आप बोलेंगे सर देखो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है भाई, ए बी और डी, हमारे पास है 10 60 डिग्री, किसके इक्वल होगा, डी बी अपॉन ए बी, और 10 60 कितना होता है √3, डी बी कितना है एक्स प्लस एच, ध्यान से देखना, डिवाइड बाय ए बी कितना है 9, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच इक्वल्स टू 9√3, सोल्व नहीं करना, एक्स पता है नहीं सर, एच पता है हाँ, एक्स प्लस 3√3 इक्वल्स टू 9√3, और दोनों को एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 9√3 माइनस 3√3, तो कितने 3√3 हो जाएंगे, 9 में से 3√3 गए कितने हुए 6√3, दिस इज द हाइट ऑफ द पोल फ्लैग पोल एंड एच इज द एच, जो एच था दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन समाप्त, खत्म, जिसको तुम क्या बोलते हो, खत्म, समाप्त का मतलब खत्म। ओके बच्चा, किसी को कोई डाउट है तो बता दो भाई, कोई डाउट नहीं है, चलो मैं एक बार पानी पी लेता हूँ, तब तक कोई डाउट है तो बता दो।
और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो स्पीड थोड़ी डबल कर लेना, क्योंकि लाइव में यार मुझे डाउट्स भी लेने होते हैं, तो थोड़ा सा तुम्हें अनकंफर्टेबल थोड़ा सा फील हो सकता है। कोशिश कर रहा हूँ कि अनकंफर्टेबल कम फील हो, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन के बीच में मैं कोशिश करता हूँ कि डाउट कंसिडर नहीं करूँ, क्वेश्चन के लास्ट में करूँ, ताकि तुम्हारा जो बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनका रिदम नहीं बिगड़े। ओके चलो फिर नेक्स्ट देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर आ जा, तो 18 हो गया, 19 देख लेते हैं। क्या ऐसा अपन ने क्वेश्चन पहले किया है? यस सर, लास्ट क्लास में हमने किया था इस क्वेश्चन को। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड। इतनी बात को समझाता हूँ। पहले आपके पास एक ट्री था, ये ट्री था, ये टोटल ट्री था, ये ट्री हवा के झोंके से टूट गया यहाँ से, तो यहाँ से टूटा, तो ये जो पार्ट है नीचे आया, और नीचे आके क्या किया, ये इस टाइप से टूटा, इतनी समझदारी से टूटा कि ये पार्ट नीचे आके जमीन को टच कर लिया, यहाँ पे क्या कर लिया, टच कर लिया इसने टच, ठीक है? और मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द ग्राउंड, ये जो पार्ट है कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे, 30 डिग्री एंगल भी बना रहा है। इतनी बात ही बता दी। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, मतलब ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर है। तो बताइए हाइट क्या है ट्री की। तो मैंने कहा देखो, एक तो इतना पार्ट मेरे पास एक्स ले लेता हूँ और ऊपर वाला पार्ट एच ले लेता हूँ, तो ये पार्ट एच मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ। तो मैंने कहा हाइट ऑफ ट्री मेरी क्या आएगी यहाँ पे, इस कंडीशन में हाइट ऑफ ट्री क्या आ जाएगी, दोनों डिस्टेंसेज को ऐड कर लूंगा, x प्लस h को, लेंथ को, दोनों लेंथ को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तब जाके हमारे पास क्या आएगी, टोटल हाइट ऑफ द ट्री आएगी। तो यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ a, b, c और d, ठीक है? d और d को तो समझाने के लिए है। अब आप सबसे पहले कहेंगे देखो सर, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्री सीधा खड़ा है, ध्यान रखना 90 डिग्री पे, हमारे पास एक 30 डिग्री है उसके सामने परपेंडिकुलर है, और नीचे बेस है, और एक हाइपोटेन्यूस है। मुझे हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर पता करना है, तो पहले मैं परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकाल लेता हूँ, फिर मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का निकालूंगा, या फिर बेस और हाइपोटेन्यूस, मेरा मन करेगा वो निकालूंगा। तो मैंने कहा पहले मैं टेन थीटा लिखता हूँ, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर एक्स है और बेस मेरा क्या है, 8 है, तो होगा 1/√3 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 8। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 8/√3 आएगी, और अगर आप दोनों ऊपर तरफ √3 और √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगी 8√3/3 भी आ जाती है। बट मेरे को नहीं लग रहा इतनी गिवन है क्या, नहीं इतनी गिवन नहीं है, टोटल 8√3 गिवन है, बट चलो यहाँ तक x की वैल्यू आ गई। अब हम h की वैल्यू निकालते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, देखो सर इन ट्राइंगल ए बी सी, वापस इसी ट्राइंगल में मुझे क्या रेशियो चाहिए, मुझे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस चाहिए, तो ये क्या होता है, साइन थीटा। तो हमने कहा साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, परपेंडिकुलर क्या है, x, हाइपोटेन्यूस क्या है, h, और x की वैल्यू मेरे पास है तो हाफ इक्वल्स टू 8√3/3 इंटू h, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 3h इक्वल्स टू 8 to the 16 √3 आएगी कि नहीं आएगी भाई साहब। अरे साइन थर्टी वैल्यू 3h h रख दिया, 8/√3/3 रख दिया, तो h की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 16√3/3 आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है? ये कैलकुलेशन हो गई। अब मेरे को हाइट निकालनी, टोटल हाइट, तो मैं टोटल हाइट के लिए क्या करूँगा, तो हाइट ऑफ द ट्री, तो हाइट क्या आएगी, हाइट हमने पढ़ा है एक्स प्लस एच करना है अपने को, सोल्व नहीं कर रहा मैं इसको, क्योंकि पीछे √3 में वैल्यू गिवन है और √3 लास्ट में सोल्व कर लेंगे, पहले क्यों करें। तो मैंने कहा 8√3/3 प्लस 16√3/3 एलसीएम ले लेते क्या आएगा, 3, तो आप क्या लिखोगे, 8√3 प्लस 16√3, 8 और 16 24 होता है, 24√3/3, 3 से 24 कटेगा 8 टाइम, तो आंसर आ गया 8√3। अब अगर तुम्हारे को 8√3 जज नहीं रहा है तो 8 को किससे मल्टीप्लाई कर लो, 1.732 से, तो अगर मैं पीछे तो आंसर 8√3 है, मैं 8 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1.732 से, तो आंसर आ रहा है 13.86,
13.86 मीटर, ये भी बोल सकते हो कि हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज 13.86 मीटर। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 19 भी समझ में आया होगा, क्योंकि 11 से लेकर 19 तक की जितने भी क्वेश्चन अपन ने किए सारे एक ही कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं कि एक साइड में दो एंगल बन रहे हैं, दो पॉइंट हमें गिवन है, वहां दोनों पॉइंट से ऊपर देख रहा है, कभी नीचे देख रहा है, बस यही कर रहा है वो। ठीक है बच्चा, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट आज का 20 करेंगे। आपको पता 10-10 क्वेश्चन कर रहे हैं डेली, चलो 20 क्वेश्चन करते हैं, और आपका प्यार बना रहा कंटिन्यू, आप पढ़ते रहोगे तो मैं आगे की क्वेश्चन भी अपन कभी ना कभी कर लेंगे, है ना, मतलब कभी क्लास बड़ी भी कर सकते हैं, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है तुम्हारे को। ठीक है चलो फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो मैंने कहा देखो एक बिल्डिंग है और पी पॉइंट है ग्राउंड पे, पता नहीं कहाँ पे, तो मैंने कहा ये दूरी ले लेते हैं, और मैंने कहा पी पॉइंट यहाँ पे। फिर मेरे को एक बात आगे समझ में आई, ए फ्लैग स्टाफ, फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप, तो मैंने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लैग लगा होगा, अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ से मैंने टॉप ऑफ द बिल्डिंग देखा, ठीक है, और ये पॉइंट कितने दूर है, 10 मीटर दूर है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पॉइंट पी, जब तुमने पॉइंट पी से फ्लैग स्टाफ को देखा तो एंगल ऑब्वियसली बड़ा आना चाहिए, तो ये एंगल बड़ा ही आ रहा है, कितना आ रहा है, 45 डिग्री। क्या मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें कहा था कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, ओके, फ्रॉम पॉइंट बी द ग्राउंड ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ओके, बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर की है बच्चा, ये पॉइंट बी की डिस्टेंस नहीं है, बिल्डिंग की हाइट है, तो ये बिल्डिंग है और ये फ्लैग है, ठीक है, तो बिल्डिंग कितनी ऊंची है, 10 मीटर, फ्लैग स्टाफ कितना ऊंचा है पता नहीं, तो एक्स ले लो, एच ले लेते हैं, हाइट ले लें, हाइट एक्स, एक्स ही ठीक है चलो, और ये पॉइंट कितना दूर है वाई, तो पी ए बी सी ये नाम ले लिया अपन ने, तो सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल होगे बाबा, आप कहोगे सर इन ट्राइंगल पी ए बी, तो पी ए बी में देखो एंगल 30 डिग्री है, ध्यान से देखना, ठीक है, तो आप बोलोगे 10 30 डिग्री इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर है 10 और बेस क्या है y, ये होता है अंडर √3, 1/√3 इज 10/y, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 10√3, मतलब वो जो पॉइंट है P बिल्डिंग के बेस से कितना दूर है, 10√3, बट ये आंसर गलत है बुक के अकॉर्डिंग, 10 × 1.732 करोगे तो क्या आएगा, 17.32 मीटर, मतलब वो पॉइंट कितना दूर है, 17.32 मीटर दूर है। चलो एक एक आंसर तो आया, अब हमारे को दूसरा आंसर भी पूछ रहा है, तो आप क्या कहोगे, हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, मैंने कहा कौन था, इन ट्राइंगल पी ए सी लेंगे अब पूरा, तो 10 45 डिग्री क्या हो जाएगा, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ पी ए सी अपॉन ए पी, ठीक है, ये वन होता है 10 45, ए सी कितना है पता नहीं सर, एक्स प्लस 10 मिला के हो रहा है, ठीक है, ए पी कितना है वाई है, तो वाई की वैल्यू पता है, तो वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 10, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, y माइनस 10, x इक्वल्स टू 17.32 मीटर माइनस 10, तो आंसर आ जाएगा 7.32 मीटर। x क्या तुम्हारे पास, x इज द हाइट ऑफ फ्लैग, हाइट ऑफ फ्लैग, देखो फ्लैग स्टाफ है ना, फ्लैग स्टाफ सॉरी, हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ जो लकड़ी या डंडा लगाते हैं ना अपन झंडे लगाने के लिए, उसकी बात कर रहे हैं, कितना है 7.3 मीटर, दोनों सही आंसर है, x और y दोनों एकदम सही है अपने पास, एक में तो फ्लैग की लेंथ पूछी थी तो वो 7.32 है, और दूसरे में डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी वो भी हमने बता दिया, तो ऑब्वियसली क्लास थोड़ी लंबी चल रही है क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आराम से समझा रहा हूँ, बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है ना, इसके चक्कर में क्लास लंबी चलेगी ऑब्वियसली भाई थोड़ी सी, और तुम्हारे को कैसा समझ में आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताते रहा करो, और अपनी क्लास को शेयर करते रहा करो ताकि हम दूसरे बच्चों तक भी पहुँच सके और उनको भी ये बातें अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट समझा सकें, आप ही के थ्रू ये हो सकता है भाई, मैं तो मेरी तरफ से कोशिश कर ही रहा हूँ ना, ठीक है चलो फिर, इन लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल।